चैप्टर सेवन इंटीग्रल्स देख रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं वर्सेस। पहली चीज तो दोनों ही ऑपरेशन फंक्शंस पे है। एफ एक्स ऐसा हम फंक्शन लेते हैं इन पे है और दोनों ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इसका एक साथ, इसको आप अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो आप इसको अलग कॉम्बिनेशन कर सकते, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कांस्टेंट के1 के2 बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सारे फंक्शंस तो डिफरेंशिएबल नहीं होते, इसी तरीके से सारे फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होते। जो डेरिवेटिव है फंक्शन का जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन कभी भी किसी फंक्शन का यूनिक नहीं होता क्योंकि उसके साथ एक एडिटिव कांस्टेंट सी जुड़ता है और वो जो सी है वो जैसे ही वेरी करेगा या सी की अलग अलग वैल्यू के लिए एक पूरी फैमिली बनेगी, एक पूरी क्लास बनेगी। तो दो इंटीग्रल एक ही फंक्शन के कॉन्स्टेंट से डिफर करते हैं। कॉन्स्टेंट से, जो कॉन्स्टेंट है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। जब पॉलिनोमियल फंक्शन पी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से आप ले जाएंगे, इस तरीके का जो पॉलिनोमियल होता है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री एक कम होगी, जो डिग्री ये वाली है क्योंकि ये एक्स की पावर एन ही एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। ये एक्स की पावर एन माइनस जो एक कम हुआ तो डिग्री कम हो गई है, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी डिग्री एक बढ़ जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन होता है एक्स का, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यानी कि ये एक बढ़ गया। हम किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करते हैं लेकिन हम इंटीग्रल कभी भी किसी पॉइंट पे बात नहीं करते। हम कहते हैं कि जो इंटीग्रल निकालेंगे वो एक इंटीग्रल, वो एक इंटरवल पे निकालेंगे, एक इंटरवल पे निकालेंगे। जो डेरिवेटिव है फंक्शन का उसकी एक ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है। टेंजेंट, जो जो कर्व की टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, उसका जो ग्रेडियंट है, उसका जो टैन थीटा है, उसका जो एम है, ये सारी चीज जो होती है, एक ही चीज कह रहा हूं मैं, सबके नाम अलग अलग है, मतलब नाम अलग अलग है ना, काम एक ही है, सब एक ही चीज के अलग अलग नाम की तरफ तौर में यूज होता है, तो उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग है। जबकि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम ज्योमेट्रिकली दिखाएं तो आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी अलग अलग, जैसे हमने एक पैराबोला का एग्जांपल दिखा था। इस तरीके से इक्वेशन एक ही है, केवल कांस्टेंट से ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। और जो फैमिली मिलेगी उसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप एक पैरेलल टेंजेंट बनाएंगे तो सारे, मतलब सारी की सारी आपको, अगर टेंजेंट आप बनाते हैं इसकी बनाते हैं इसकी बनाते हैं, सब आपको पैरेलल मिलेगी, ओके। और ये जो लाइन होगी, अभी मैं आपको आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली होगी इन लाइन की जिसे हम ऑर्थोगोनल करेंगे वो आपका वेरिएबल्स होंगे इंटीग्रेशन के। जो डेरिवेटिव है वो हम रेट ऑफ चेंज जैसे हमने निकाला था, तो फिजिकल क्वांटिटी निकल सकती है इससे, जैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किसी टाइम पे तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि डीएक्स बाय डीटी, अगर एक्स को डिस्टेंस माने तो ये आपका वेलोसिटी ही होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसी तरीके से हम इंटीग्रल यूज कर सकते हैं ताकि हम डिस्टेंस निकाल सके अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है कि इस वेलोसिटी से इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक रीजन। अब हम रीजन रीजन को नापने के लिए, एक एरिया बाउंडिंग नापने के लिए वो सब हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। और डिफरेंशिएशन में लिमिट्स इन्वॉल्व होती है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स इन्वॉल्व होगी। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बस ये ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, उल्टे हैं, एक दूसरे के इनवर्स है। जो डिफरेंशिएशन है वही, उसका डिफरेंशिएशन किया आपने एक्स का, उसी का इंटीग्रेशन कर दिया तो आप दोबारा डिफरेंशिएशन ले आए, यानी कि अगर एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये
मतलब इसको पूरी तरीके से सिंबॉलिकली समझिएगा, ऐसा ये मैथमेटिकल नहीं है। अगर ए डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन क्या है, ए इनवर्स, बस ये समझ लीजिए एक तरीके से, सिंबॉलिकली बता रहा हूं। इंटीग्रेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं। हमने देखा था कि इंटीग्रल निकाला कई फंक्शन का जो डायरेक्ट डेरिवेटिव से निकल जाते हैं, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल इनवर्स है। तो वो पूरा था पूरी तरीके से इंस्पेक्शन पे था कि हम जानते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ये इंस्पेक्शन से आएगा, यानी कि हमने जहां पर डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, अगर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डायरेक्ट फंक्शन आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव हमारे पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जहां पर ये इंस्पेक्शन काम नहीं करेगा, डायरेक्ट चीजें नहीं दी होंगी, इसमें क्या है मिक्सअप होगा, चीजें इस तरीके से दी होंगी जहां आपको कुछ और चीजें भी लगानी पड़ेंगी। तो इसी कारण से जो मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, कुछ प्रोमिनेंट मेथड्स हैं जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन पार्शियल फंक्शन के साथ है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ये तीन तरीके हैं प्रोमिनेंट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन से किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हमेशा जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं वो किसी के सापेक्ष निकालते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स, अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। तो एक हमारे पास एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, इस एक्स को जी टी बोलेंगे, एक दूसरा फंक्शन, मतलब आई हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स को हम कह रहे हैं जी टी। अभी ये केवल आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। एक हम फंक्शन लेंगे प्रॉपर देखेंगे, जब प्रॉब्लम के हिसाब से एक्स इक्वल टू जी टी हमको मानना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स को जी टी रखा हमने, ये मतलब जैसे एक्स को जी टी रखा, डी एक्स क्या हो गया, मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, जी डैश टी। तो जी डी टी को सर इधर ले जाइए, डी एक्स क्या होगा, जी डैश टी डी टी। तो डी एक्स क्या बना, यहां पर डी एक्स, इस डी एक्स की जगह आप रख सकते हैं जी डैश एक्स डी टी, क्योंकि हमने इसको यहां, हम यहां ले गए तब ये आया। अब डी एक्स की जगह हम ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और डी एक्स की जगह ये रख देंगे, और अब एक्स की जगह ये जी टी रख देंगे, यानी एक्स की जगह जी टी आ गया, तो एफ जी टी, और ये डी एक्स की जगह जी डैश टी डी टी, इस तरीके से बनना। ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, एक्स इक्वल टू जी टी रखेंगे क्या, और ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे अपने आप से अपनी, जैसे आप एक साइकिल चलाना सीखते हैं, आप पहले बार में गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन एक बार आपने सीख लिया, मान लीजिए आप 10 साल के, तो अगर आप 50 साल में भी चलाएंगे तो आप साइकिल को सीखना नहीं पड़ेगा, आप बस बैठेंगे चल चल जाएगी साइकिल। इसी तरीके से साइकिल सीखेंगे तो कैसे क्या स्कूटर भी चलाना पे आप सीख जाएंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये प्रैक्टिस से आएगा, बाकी सारे मेथड जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस से आएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप एक बार में सीख जाएंगे। अब ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूशन लेंगे जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेंड में आता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, इसको अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा समझ गए होंगे तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर आए। अब देखिएगा, हम साइन एम एक्स को करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि साइन एम एक्स, साइन एक्स का तो हमें पता है, आराम से हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन इसका, है ना, क्योंकि कॉस एक्स का, ये साइन एक्स कहां से आया होगा, कॉस एक्स से ही आया होगा, तो कुछ कॉस एक्स तो आना चाहिए इसमें, इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि साइन एम एक्स दे दिया गया, ये साइन एम एक्स है, अब साइन एम एक्स को कैसे निकालेंगे, ये साइन एम एक्स का तो फॉर्मूला नहीं पता हमें, वो तो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन, इसका इसका डिफरेंशिएशन का आइडिया ऐसा है कि इंटीग्रेशन इसका नहीं निकाला जा सकता, यहां पर मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एम एक्स का हम जानते हैं एम होता है ना, एम एक्स का एम होता है, तो हम क्या करेंगे इस एम एक्स को, क्योंकि अगर मैं इस साइन किसी तरीके से इस एम एक्स से छूट पा लूं, अगर मैं इसको साइन एम एक्स को कुछ टी रख दूं, कुछ थीटा रख दूं, तो मेरे पास ये साइन थीटा या साइन टी आ जाएगा, है ना। अब मैं साइन टी का तो जानता हूं ना, मैं साइन टी का तो अच्छे से पहचानता हूं, तो पहले तो मैं इस फॉर्म में करूंगा, तो एम एक्स की जगह हम रख देंगे टी,
तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, इसको और इसको, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये यहां पर दिया नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक है इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। एमएक्स इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, डी बाय डी एक्स और डी बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये होगा डी बाय डी एक्स, एम बाहर है और अंदर एक्स है, ये अभी डी टी बाई डी एक्स चले दी है ना। तब डी 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 बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है वन, तो ये जाएगा एम विल बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो डी एक्स क्या बना, डी टी को यहां ले जाइए, डी एक्स आपका बन गया एम इंटू डी टी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये साइन एम एक्स डी एक्स करेंगे, डी एक्स की जगह हम एम डी टी डाल देंगे, और क्योंकि एम एक्स को टी माना है तो ये साइन टी आ जाएगा, एम एक्स की जगह टी रख देंगे, तो अब ये क्या बन गया। अब देखें हमने क्या किया, इस डी एक्स की जगह हमने यहां पर डी एक्स की जगह हमने ये डी टी रखा, डी टी के सापेक्ष में रखा, तो डी टी बाय एम, क्योंकि यहां एम आएगा डी टी बाय एम है ना। और उसके बाद हम जैसे ही ये साइन टी देखेंगे, हमारे पास हमारा काम आसान हो गया। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, सीधा हमने ये एक्सप्रेशन ले आया, लेकिन अब इसमें आप क्योंकि टी के डिसरिस्पेक्ट में किया था, तो अब हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, टी को एम एक्स रखना पड़ेगा, यहां पर एम एक्स रख दीजिए टी की जगह, इस जगह, और आपका ये प्लस सी कर दीजिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी है तो मैं दूसरा बताता हूं आपको, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं जानता हूं कि साइन थीटा अगर मुझे मिल जाए तो मैं कर दूंगा इसे, विल बी एबल टू डू इट। सो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह, मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हम थीटा रख देंगे, टी रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को इस जगह पे हम टी रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी रखेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, तो क्या आएगा, टू एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स इसका तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले जाइए, डी टी क्या हो गया, टू एक्स डी एक्स, ओके। अब ये जो पूरा टर्म बना, ये वाला, ये क्या बना, आपने इसको टी माना है राइट, लेकिन जो टू एक्स और डी एक्स मिला के क्या हो गया, डी टी, तो इसकी जगह टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह टी रख दिया, तो साइन टी डी टी आ गया। अब साइन टी का तो आपको पता ही है, माइनस कॉस टी, खत्म, टी की जगह बस लास्ट में ये रिप्लेस कर दीजिए, प्लस टी लगा दीजिए। एक और देखिए, आपको ये पता है, इस जगह पे आइए, यहां पर हमको पता है कि हमको इसका जब इंटीग्रेशन करना है, तो अगर ये हमें किसी तरीके से हमको ये सेक्स स्क्वायर के अंदर ये जो रूट एक्स दिख रहा है, अगर ये किसी तरीके से मुझे सेक्स स्क्वायर थीटा मिल जाता, या टेन की पावर फोर थीटा ये मिल जाता, या टी मिल जाता, तो मैं इसे कर देता आराम से है ना। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अंडर रूट टी आ रहा है, तो इस अंडर रूट टी को हम टी रख देंगे, अंडर रूट एक्स को, देखिएगा इस सवाल में यही हुआ है, अंडर रूट एक्स को टी रखा है, और फिर उसके बाद जब अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें हम, तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी कि वन बाय टू रूट एक्स आ गया, और वन बाय टू रूट एक्स जैसे आया, हमने देखा नीचे वाला टर्म तो मिल गया, बस टू की तो कमी है, टू तो हम कभी भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, रूट एक्स को टी रखा, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये होगा वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स क्या हुआ, क्योंकि ये टी माना हुआ है आपने, अभी ये टी माना हुआ है, ये डिफरेंशिएशन के बाद आया, ये रूट एक्स टी है, टी को इधर ले जाइए और टू को यहां ले जाइए, तो ये होगा टू टी डी टी, डी एक्स हो गया टू टी डी टी। अब इस पूरे में टी 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 चेंज कर दीजिए, रूट एक्स की जगह टी, रूट एक्स की जगह टी, और डी एक्स, ये जो डी एक्स है उसकी जगह आप लिखेंगे टू टी डी टी, टू टी डी टी, ओके, ये आपका टी हो गया, ये टू टी डी टी आप डी एक्स की जगह ले आए, ये तो खैर टर्म थे ही, इस रूट एक्स की जगह टी रख दिया, तो अल्टीमेटली बना क्या, ये टी टी कैंसिल हो गया, टू बाहर ले लीजिए, टेन की पावर फोर टी सेक्स स्क्वायर की पावर टी। अब ये अभी भी नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी भी हमें नहीं पता, अभी हमने इसको बहुत हद तक सॉल्व कर दिया, कर सकते हैं इसका, लेकिन इसमें एक और हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो हम अब क्या करेंगे, टेन टी को पूरा यू ले लेंगे, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, टेन टी को यू लेंगे, तो इस जगह पे ये क्या बन जाएगा, यू की पावर फोर, और ये जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टेन थीटा का, वो होगा, अगर मैं इसका दोनों का साइड डी बाय डी
अब ये डी बाई डी यू होगा, ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स नहीं, क्योंकि यू बराबर यू बना है, तो डी बाई डी थी डी यू ऑफ टेन टी विल बी इक्वल टू ये डी यू बाई डी टी, तो ये टेन ये पूरा कितना आ गया सेक्स स्क्वायर टी, डी यू बाई डी टी था डी टी को ऊपर ले गए तो डी यू बन गया सेक्स स्क्वायर टी डी टी, तो ये सेक्स स्क्वायर टी डी टी को हम डी यू रख सकते हैं, तो ये टी की पावर फोर हो गया, तो देखिए यानी कि यू की पावर फोर, ये यू की पावर फोर हो गया, ये आपका डी यू हो गया, तो यू की पावर फोर और डी यू यानी कि एक्स की पावर फोर डी एक्स वाला मसला बन गया है। तो बस इसको क्या करिए, ये तो एक्स की पावर एन है, ये यू की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन टू। अब थोड़ा सा रिवर्स जाते रहेंगे, क्यों, यू को माना था आपने टेन टी, तो यू की जगह टेन टी रखिए, लेकिन आपने देखा टी की जगह आपने क्या लिखा था रूट एक्स, तो टी की जगह रूट एक्स लिखिए, कॉन्स्टेंट जरूर जोड़ देना, तो ये इसका इंटीग्रल ये होगा, कॉन्स्टेंट जरूर जोड़ना। अगला है साइन टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं कि ये टेन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करें तो वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम इस टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, ये टी हो गया, तो डी बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाय वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी टी बाय डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स होगा, डी एक्स को ऊपर ले जाइए, तो डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी हो गया। जरा इसमें रखिए साइन है ये टेन इनवर्स एक्स की जगह टी मान चुके हैं, तो ये साइन इनवर्स ये साइन टी आएगा और साइन साइन इनवर्स साइन टी आएगा, लेकिन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये तो अभी हमने देखा डी टी के बराबर हो गया, इसकी जगह डी टी रख दीजिए, इस पूरे की जगह आपको डी टी तब्दील कर देना। अब साइन टी का तो बहुत आसान है माइनस कॉस टी, लेकिन टी क्या माना था, जब ये हो गया जब ये इंटीग्रेशन हो जाए तो फाइनल रिप्लेसमेंट ये होगा कि टी की जगह आप टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, ये आपको फाइनल होगा। और अब हम देखेंगे ऐसे इंटीग्रल जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और वहां पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम सब्स्टिट्यूशन से लगाएंगे, कैसे, जैसे टेन एक्स है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम कह रहे हैं लॉग सेक एक्स, कैसे आएगा ये सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा ये, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बोल्ड में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अब ये एक तो एक्सप्लेनेशन यहां मिल जाएगा, लेकिन ये आप डायरेक्टली यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, ये डायरेक्ट यूज होगा, जहां भी टेन एक्स मिलेगा लॉग सेक एक्स आप देंगे, ऐसे जो भी आगे चल रहे हैं इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे, तो अभी इसका आप इसका प्रूफ देख लीजिए और इसको डायरेक्ट यूज करना। टेन एक्स डी एक्स पे आते हैं, टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, मुझे पता है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी रख दूं तो साइन एक्स डी एक्स मेरा डी टी बन सकता है, कैसे, कॉस एक्स को टी रखें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो ये साइन एक्स डी एक्स जो होगा माइनस डी टी के बराबर बना, कैसे, मैं इसको जरा बताता हूं आपको, क्योंकि ये जो लाइन आती है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अगर समझ गया आप तो बाकी, क्योंकि यही लाइन मैं बार बार बता रहा हूं, असली जो क्रक्स है जो इसका इसकी जान है आपके सब्स्टिट्यूशन की वो यही है। तो आपने यहां पर देखा कि साइन एक्स यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर मैं कॉस एक्स को टी रखता हूं तो कॉस एक्स को मैंने टी रखा तो दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स है ना डी टी बाई डी एक्स, अब डी एक्स को यहां ले गए तो डी टी क्या बना माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो जो ये साइन एक्स डी एक्स है ना इसी जगह मैं माइनस डी टी रिप्लेस कर सकता हूं, यही मेन चीज है। तो अब क्या करेंगे, टेन एक्स क्या था साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह टी रखा, ये साइन एक्स कॉस एक्स की जगह टी रखा, ये बाय टी आ गया और ये पूरा डी एक्स साइन एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी के बराबर हुआ, तो इसके ऊपर माइनस डी टी आ गया, माइनस को बाहर ले लिया और डी टी बाई टी तो लॉग होता है, मतलब डी एक्स बाय एक्स क्या होता है वन बाय एक्स का इंटीग्रेल क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग टी है। अब लॉग जैसी आएगा आपको मॉड लगा देना, ध्यान रखिएगा ये मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉग लगा देंगे। अब टी आपने क्या माना था कॉस टी, तो इस टी की जगह कॉस रख दीजिए, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया, ये हम अगली बार यूज करेंगे। ऐसे आप कह रहे हैं कॉटेक्स जो होता है लॉग एक्स लॉग साइन एक्स होता है सी, ये मॉड होगा इसमें, तो कॉटेक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस बार हम साइन एक्स को टी रख देंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी मिल जाएगा, यानी ये पूरा जो टर्म है ये वाला टर्म ये डी टी मिल रहा है, ये अगर टी माने तो ये डी टी बाई टी हो गया, सीधा लॉग कर दीजिए लॉग टी प्लस सी, टी को साइन एक्स से रिप्लेस कर दीजिए फाइनली,
तो लॉग साइन एक्स प्लस सी हो गया। सेक एक्स डी एक्स है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स में हमने क्या करा किया, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे सेक एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, अगर आप इस पूरे टर्म को टी रखें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी रखें और डिफ्रेंसिएशन अगर आप करेंगे तो सेक एक्स का होता है, देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ओके, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, दोनों से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस डी एक्स आपका डी टी के बराबर आ जाएगा। बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो आप देखें ये करते ही मुझे ये जो टर्म है ऊपर वाला ये इसके बराबर मिल गया। तो अगर इसको टी रखा जाए तो ऊपर वाला पूरा डी टी हो जाएगा, है ना। तो ये इसको हम डी टी बाई टी लिख सकते हैं। तो ये तो सीधा लॉग टी हो गया प्लस सी, और मोड में लिखेंगे इसको। टी हमने क्या बना था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आ गया। कोसेक एक्स क्या है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स प्लस सी, बिल्कुल पहले तरीके से ही ये जो भी हमने चौथा ये तीसरा किया उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, कोसेक एक्स आपका है ऊपर नीचे कोसेक एक्स प्लस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई कर दी इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब अगर हम इसको टी रख देंगे तो ये वाला हमारा दिस विल बी डी एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स, कोसेक कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कॉटेक्स, कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद अगर हम जब जैसे ये सारे के सारे जो होता है कोसेक माइनस में आते हैं तो माइनस इसमें माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बनेगा, ये कोसेक एक्स स्क्वायर है, कोसेक कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों जैसे रखेंगे और माइनस कोसेक एक्स लिखेंगे तो कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। यानी इस टर्म को अगर हम टी माने तो ऊपर वाला पूरा टर्म हमारा डी टी के बराबर आ रहा है, बल्कि मैं कहूँ माइनस डी टी, माइनस इधर ले जाइए क्योंकि ये पूरा टर्म जो है वो डी टी नहीं माइनस डी टी के बराबर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई टी, है ना, और ये वन बाई टी है बेसिकली, लॉग है तो माइनस लॉग टी, टी कोसेक एक्स प्लस कॉटेक्स माना था आपने तो माइनस लॉग दिस प्लस सी। अब इसको और भी करना चाहें क्योंकि और भी लेवल पे ले जा सकते हैं आप, बाहर माइनस है ना, आप चाहते हैं कि मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो कैसे करेंगे इसको, ऊपर नीचे इसको आप कोसेक स्क्वायर, इसको कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे इसको ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स ही बचेगा। अब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से खोल दीजिए, कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स आपका कट जाएगा, है ना, आपके पास अंदर क्या आएगा ये वाला टर्म, और माइनस को अंदर ले जाइए तो कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स आ जाएगा, माइनस को हमने अंदर ले गए, इस तरीके से आएगा। माइनस का माइनस ले जाने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि इसको ऊपर नीचे कर दिया, माइनस का मतलब यही है, एक्स की पावर माइनस वन, ये क्या होता है माइनस वन लॉग एक्स, इस तरीके से होता है, इसका लॉग लिया जाए तो ये है, तो अगर हम माइनस ले जाना चाहेंगे तो इसको लॉग वन बाय एक्स करेंगे, बस यही किया है। आपको इंटीग्रल निकालना है इन सब क्वेश्चंस का। यहां पर ये जो टर्म है अभी इसको कुछ रखेंगे तो चीजें नहीं आएंगी, तो इसको साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अलग अलग लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को चलने दीजिए, इसको साइन एक्स को इसका एक उठा के यहां रख दिया, ओके। अब कॉस एक्स को टी पुट करिए, कॉस एक्स को जैसे पुट करेंगे तो डी टी होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, मैं इसको फिर से बता देता हूँ ये कैसे आ रहा है, ये चीज समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टी है आपका कॉस एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इस डी एक्स को यहां ले जाइए तो डी टी हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। तो ये जो पूरा टर्म है ये वाला, इसी जगह माइनस डी टी रख सकते हैं आप, और क्योंकि अंदर कॉस है और कॉस को अपने टी माना ही हुआ है तो यार सारे टी के टर्म में आ जाएंगे, यानी कि ये वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा टर्म माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस को भाग ले आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी की पावर फोर। अब ये तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग करके,
ये होगा टी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, टी क्यू बाय थ्री ये होगा टी की पावर फाइव बाय फाइव, तो प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ा। अब फाइनली टी की जगह आप क्या रख देंगे, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहां रख देंगे तो ये फाइनल टर्म हो जाएगा। ऐसी साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए। अब ये जो नीचे आ गया ना, इसमें थोड़ा सा मसला है क्योंकि एक्स प्लस ए का वैसे भी हम नहीं कर पाएंगे, खासतौर पर डिनोमिनेटर में तो बहुत मुश्किल है। इस नीचे वाले एक्स प्लस ए को एलिमिनेट करिए पहले, तो एक्स प्लस ए को टी रख रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए क्या आएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी विल बी इक्वल टू, क्योंकि डी एक्स बाय डी टी करेंगे ये कट जाएगा, ये डी टी बाय डी एक्स आएगा, है ना। तो डी एक्स डी टी के लिए डी एक्स को यहाँ ले जाइए, तो डी ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गई। यानी अगर एक्स प्लस ए को टी रखते हैं तो डी एक्स और डी टी बराबर आता है। मैं फिर से बताता हूँ, एक्स प्लस ए को आपने टी रखा तो डी बाय डी टी किया, डी बाय डी एक्स किया दोनों साइड, ये क्या हुआ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो वन इक्वल टू डी ए टी बाय डी एक्स, यानी डी टी बराबर डी एक्स आ गया। तो साइन एक्स एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए को यहां ले जाइए टी माइनस ए, और ये एक्स प्लस ए को तो खैर टी बना ही हुआ। अब ये जो साइन टी माइनस है ए है, इसको साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से खोल दीजिए, इस वाले टर्म को अलग कर लीजिए, इस वाले टर्म को अलग कर लीजिए, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। अब देखें ये डी टी है, इसका मतलब जो कॉस ए वाला टर्म है वो इसके लिए कॉन्स्टेंट होगा, कॉस से बाहर आ जाएगा, ओके। और साइन टी कैंसिल, तो पहले वाले टर्म में केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचा। इस वाले टर्म को देखिए, इसमें कॉस कॉस टी बाय साइन टी कॉट टी हो गया, और साइन ए अगेन ये कॉन्स्टेंट है इसके लिए क्योंकि डी टी इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होगी, कॉट टी का हम जानते हैं लॉग साइन टी, हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको, और प्लस सी वन, या फाइनल हम कॉन्स्टेंट ही रखेंगे, सी चलने दीजिए इसको। अब जब फाइनल आएंगे हम, तो इस टी की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस ए, यहाँ एक्स प्लस ए रख दीजिए, यहां पर भी एक्स प्लस ए रख दीजिए, इसको चाहे तो इसको पूरा ओपन कर दीजिए, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, राइट। और अब देखिए इसको क्यों किया, क्योंकि जो ए कॉस ए है ये भी कॉन्स्टेंट है, इस वेरिएबल तो इसमें कोई नहीं है, एक्स एक्स तो कहीं नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर आप इसको खोलें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये तो ठीक है, लेकिन c1 वन इंटू साइन ए ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों को, ये इसको और इसको, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको जोड़ के हम c लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें x नहीं कहीं नहीं दिख रहा ना, इसीलिए कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, x cos a माइनस साइन ए log साइन x प्लस ए, यही दो टर्म आएंगे, बाकी सब कांस्टेंट में चले जाएंगे, क्योंकि हमने ये a प्लस a cos a, दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, जहां x का टर्म ना दिखाई दे वो आपका जो कॉम्पोनेंट होता है वो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। dx by 1 plus tan x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। तो dx by 1 plus tan x, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले tan x को लिख देंगे sin x by cos x, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसको cos x यहां जाएगा, मतलब 1 plus sin x by cos x करेंगे तो क्या आएगा, cos x नीचे, cos x plus sin x, तो cos x ऊपर चला जाएगा, तो cos x ऊपर आएगा, नीचे cos x plus sin x आ जाएगा, ठीक, यहां तक ठीक हो गया। इसमें एक थोड़ा सा हमको एक जुगत लगानी होगी, यानी इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारे पास नीचे वाला टर्म आए या कैंसिल हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो cos x में ध्यान रखिए, पहले तो हम sin x और माइनस sin x जोड़ देंगे, इसमें प्लस sin x जोड़ दीजिए और माइनस sin x जोड़ दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो के बराबर ही है, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें क्या करिए, एक cos x और जोड़ दीजिए। अब दिक्कत यह है कि cos x plus cos x तो 2 cos x है, यहां तो एक ही cos x है, तो ये 2 को हटाने के लिए 1 by 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम cos x plus sin x minus sin x plus cos x लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो बराबर cos x के हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये 2 cos x हो जाएगा, cos x 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही टर्म आ जाएगा। इसको इस तरीके से इसलिए लिखा, इस तरीके से लिखा कि हम ये जानते हैं कि ये जो वाला जो टर्म है, और ये जब इसको अलग लेंगे, ये वाले को अलग लेंगे और ये वाले को अलग लेंगे,
तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, केवल dx बचेगा। इस वाले में cos x माइनस sin x बाय cos प्लस sin x आ गया। अब ये dx है, ये तो सीधा x बाय 2 आ जाएगा प्लस कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, है ना। ये वाले को हम अलग से करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर इस इंटीग्रल को करना है तो cos x प्लस sin x को अगर हम t मान ले तो ये जो ऊपर वाला टर्म है वो dt के टर्म्स में आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको sin x नीचे वाले cos x प्लस sin x को t माने तो ऊपर वाला टर्म आएगा, cos x का होता है माइनस sin x का होता है cos x, और ये dt विल बी इक्वल टू दिस dx। तो ऊपर वाला टर्म आ गया dt के, मतलब केवल dt बचा, ऊपर वाला टर्म dt के बराबर हो जाएगा नीचे वाले को t मानेंगे तो इंटीग्रल क्या हो गया, dt by t यानी log t। t क्या था, cos x + sin x, ये आ गया प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब अल्टीमेटली जो पहला था उसमें ये रख दीजिए, ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट जोड़ के एक नया कॉन्स्टेंट बना दीजिए और इसको c लिख दीजिए, फाइनल कॉन्स्टेंट c। तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जब इंटीग्रेंड में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो हमारे पास जो आइडेंटिटी हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो हम यूज करेंगे यहां पर। कैसे, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। जैसे हम ये cos square x dx करते हैं तो जैसे ही cos square x है, cos square x हम जानते हैं कि कैसे आएगा, cos 2x जो होता है, यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो cos square x होता है 1 plus cos 2x by 2, ये इसका स्टैंडर्ड डिस्कशन है। तो cos 2x की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 cos square x minus 1, है ना। तो अगर cos 2x है इसको हम 2 cos square x by 2 लिख सकते हैं। तो cos square x जो मैंने आपको बताया, cos square x बेसिकली ये एक्चुअल चीज है ये लाने के लिए, क्योंकि cos 2x क्या होता है, cos square x minus sin x, cos 2x होता है cos square x minus sin square x, sin square x को फिर आप 1 minus cos square x लिख देंगे तो 2 cos square x minus 1 आ जाएगा। 1 को इधर ले जाइए, 2 cos square x ही हो गया, लेकिन 2 को यहां नीचे ले जाएंगे फिर तो 1 plus cos 2x by 2 हो गया। तो इसकी जगह आप ये रख दीजिए, cos square x की जगह 1 plus cos 2x by 2 रख दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए। 1 plus cos x का तो आप जानते ही हैं कैसे, 1 का होता है सीधा वही टर्म, मतलब x आ जाएगा, cos 2x का sin 2x, है ना, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन, 2f का डिफरेंशिएशन करके नीचे डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर मैं इस cos 2x का इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका मतलब होता है इसका क्या होगा, sin 2x, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करके, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, केवल 2, उसको डिवाइड करते हैं, ये तरीका होता है। तो sin 2x by 2, क्योंकि 2 पहले ऑलरेडी था तो 4 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसे आपके पास ये वाला टर्म है sin a cos b, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ sin x plus y plus sin x sin minus y, x minus y, क्योंकि sin a, ये sin a cos b, sin a cos b, cos a sin b, ये sin a cos b को माइनस cos a sin b, ऐसे होता है। तो ये जब ये लिखेंगे तो जो माइनस वाले टर्म कट के 2 sin a cos 2 sin a cos b आ जाए, तो अल्टीमेटली 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्टीमेटली sin x cos a cos y तो आ गया। तो sin x cos y को या sin a cos b को हम हाफ sin x plus y plus sin x minus y की तरह लिख सकते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, इसको आप sin को x a plus b a minus b की तरह खोलिए, आप देखेंगे केवल आपके पास यही टर्म आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, sin 2x plus 3x यानी कि 5x, फिर sin, फिर उसके बाद यहां पर इस वाले टर्म को sin, इन दोनों को जोड़ा राइट, और उसके बाद ये बेसिकली दिस इज प्लस इंटू नहीं है प्लस, ये sin x plus y यानी कि x plus y, x 2x है, 3x और ये 3x है तो 5x हो गया। इसी तरीके से sin x minus y क्या करेंगे, 2x ये इसको ये मान लीजिए तो 3x minus 2x क्या आएगा, x। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए, इसका अलग इसका अलग, तो sin 5x का cos माइनस में आएगा और फिर 5x का डिफरेंशियल करके नीचे डिवाइड करते हैं, sin का तो सीधा cos x हो जाएगा माइनस cos 5x, क्योंकि ये 5x अंदर बचा है इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं। ऐसे ही sin x है, sin x का क्या होता है, सीधा cos x, ये आपका अल्टीमेट आ गया। अब जो नेक्स्ट वाला है, हमको sin क्यूब x करना होता है, sin क्यूब x अगर हम ये देखें, ये वाली आइडेंटिटी, sin x होता x होता है sin 3x होता है 3 sin x minus 4 sin क्यूब x, तो अगर इस sin क्यूब x को निकालना है
तो इसको इधर ले जाइए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। sin क्यूब एक्स की जगह हम सीधा ये रिप्लेस कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है 3/4 बाहर आ जाएगा, sin x का हमें डायरेक्ट पता है, sin 3x का भी हमें डायरेक्ट पता है, 1/4 बाहर आ जाएगा। sin x का होता है माइनस cos x, sin 3x का होता है cos 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करके नीचे डिवाइड करते हैं तो 3 नीचे आएगा, तो 3 × 4 = 12, इसलिए 1/12 cos 3x आ रहा है। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे sin क्यूब एक्स को, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं इतने आसानी से उस समय एग्जामिनेशन के समय याद नहीं आ पाते, किसी को याद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन याद नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 − cos² x लिखेंगे, साइन इस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, तो ये जो साइन एक्स डी एक्स हो गया वो डी टी के बराबर आएगा माइनस में, तो अब क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं 1 − t² dt माइनस में, अब इसका अलग से हो जाएगा dt, इसका t³/3 यानी कि ये आ जाएगा, अब t की जगह cos x रिप्लेस कर दीजिए, cos x cos, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रल करते हैं, इसको देखते हैं, ये इंटीग्रल है, कुछ हम स्पेसिफिक फंक्शंस का लेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे इसे, और ये बताएंगे भी कि कैसे निकल के आया है। एक काम करते हैं कि इसको नेक्स्ट डिस्कशन लेते हैं, ये वाला हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे, तो ऐसे करते हैं कि अभी इसको हम रोकते हैं और नेक्स्ट में हम और भी तरीके देखेंगे कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमने कुछ तरीके देखे कैसे इंटीग्रल होता है फाइनली, और बहुत सारे अलग अलग तरीके, आप देखेंगे कि इतना आसान है ये कि एक बार आप प्रैक्टिस पे आ जाए तो इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से सबसे आसान है। डिफरेंशिएशन में क्योंकि कंटिन्यूटी वगैरह समझनी पड़ती है, यहाँ पर क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं और उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन को उल्टा है और आराम से किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी लोगों की।